आज की बड़ी खबर यही कि बंगाल में पहली लिस्ट आने वाली है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस जुगत में लगातार लगी हुई थी। बीजेपी आज सुपर 60 का ऐलान करेगी, यानी 15 सीटों पर आखिरी मोहर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लगाएंगे। उम्मीद है कि दोपहर बाद बीजेपी की ये लिस्ट आ जाएगी। लगातार इंतजार हो रहा था कि आखिर कब तक ये लिस्ट आएगी, नाम अनाउंस होंगे, किस सीट पर कौन लड़ रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में पहले दो दौर के प्रत्याशी शामिल होंगे। कल से ही लगातार ये मंथन चल रहा है। अब 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मोहर लगाएंगे और उसके बाद ये नाम फाइनल होंगे। दोपहर बाद तक ये सामने आ सकती है, लेकिन देखिए नंदीग्राम ये असली अखाड़ा बनने जा रहा है, जहां बीजेपी ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी को उतारने का मन बना चुकी है, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। ममता बनर्जी की काफी विश्वसनीय है, पार्टी में नंबर दो की हैसियत उनकी रही है, लेकिन इसके अलावा और कौन से हैवी वेट्स है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। लेकिन दूसरी तरफ देखिए दोपहर बाद टीएमसी की लिस्ट भी आ सकती है, यानी अब दोनों ही खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि इंतजार में है कि पहले दूसरा पक्ष अपनी सीटें अनाउंस कर दे, तो उसके बाद अगर आखिरी मोमेंट के कुछ बदलाव भी करने हो तो वो हो सकते हैं। लेकिन 2016-2011 में भी देखिए शुक्रवार को लिस्ट आई थी, तो ये भी एक संयोग है। मौजूदा विधायकों पर सर्वे के बाद फैसला होगा कि उन्हें एक बार फिर आगे टिकट देकर बढ़ाया जाएगा या नहीं। प्रशांत किशोर की टीम ने यह सर्वे कराया था और इसे लेकर भी खबरें इस तरह की थी कि टीएमसी के भीतर एक जबरदस्त क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। कई लोग प्रशांत किशोर के काम करने के तरीके से नाराज भी थे, लेकिन जिनके टिकट तय हैं, जो हैवी वेट्स है टीएमसी के, उनके नाम भी आप देख लीजिए, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, शशि पंजा, तो ये बड़े नाम जिनको टिकट मिलना लगभग तय है। लेकिन दिलचस्प होने वाला है मुकाबला नंदीग्राम का, क्योंकि जैसी ताल शुभेंदु अधिकारी ने ठोकी कि 50,000 से भी ज्यादा वोटों से वो वहां से जीत जाएंगे अगर वो वहां से उतरते हैं, और ममता बनर्जी भी ऐलान कर चुकी हैं कि वो वहां से इस बार फाइट लड़ेंगी, तो अब देखना ये होगा कि ये मुकाबला पूरे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो उसके मुकाबले में एक तरफा अलग दिखाई देगा। तो चर्चा आज इसी पूरे मामले पर होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए चुनावी बयानबाजियां किस तरह से दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी, वो पूरे 294 नामों की घोषणा करने जा रही है। वो उनकी रणनीति होगी, हम हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फेज वाइज ही हम लोग चुनाव नाम तय करेंगे। दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी, वी विल अनाउंस इट व्हेन इट्स टाइम। एंड इज द टाइम गोइंग टू बी एनी टाइम सून? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल सून। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर उनको अगर 10 साल राज करने के बाद अगर उनको सही में लगता है जिसकी बात वो करते हैं कि उन्नयन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है और उन्नयन किया है और डेवलपमेंट किया है, तो क्यों डर के हमारे दो जगह से लड़ना है? क्योंकि शुभेंदु भाई ने ऑलरेडी कह दिया है कि नंदीग्राम से लड़ेंगे तो हाफ लाख वोट से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी मतलब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं मतलब? हाँ, वो तो पहले ही कह चुके हैं, यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे बता देते हैं। ममता बनर्जी सैनी के तरफ लड़ रहा है सारे बंगाल में, एंड शी इज फाइटिंग अलोन अगेंस्ट द मिसरूल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर। सो ऑल द important central cabinet ministers, including honorable prime minister, home ministers, and several other ministers, they are coming to our state to combat the lone fighter Mamata Banerjee.